नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बाबू स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज 12th क्लास का NCERT मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि प्रश्नावली 5.3 का है। देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है वह है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है 2x + 3y = sin x। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या होता है, लिखेंगे क्या कहता है, dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन अवकलन करने करने पर। ठीक है, लिखेंगे अब d/dx 2x + 3y = d/dx sin x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा d/dx 2x प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर लिखेंगे d/dx जो कि दो कंडीशन है। ठीक है, इसीलिए लिख रहे हैं dy/dx, उसके बाद लिखेंगे कितना है 3y = इसका जो हम सूत्र, हम लोग जानते हैं कि, देखिए हम सूत्र लिख देते हैं बगल में कि d/dx sin x = क्या होता है, इसका सूत्र होता है cos x। ठीक है, cos x होता है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं cos x। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। फिर लिखेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 2 + 3। अब y है तो y का डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। क्योंकि अगर लिखते, फिर देखिए हम इस यहाँ पे रफ में बता देते हैं कि फिर लिखते हम कि d/dx x लिखते तो x कट जाता, 1 बच जाता, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। उसके बाद लिखेंगे cos, हमारा है cos x, उसके बाद लिखेंगे 3 = ये हमारा 2 जो है इधर चलाएगा तो माइनस होगा। उसके बाद लिखेंगे dy/dx = cos x - 2 / ये भाग में है, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 2x + 3y = sin y। फिर उसी तरह लिखेंगे दोनों तरफ x के साथ सापेक्ष अवकलन करने पर।
और कलन करने पर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि डी बटा डी एक्स टू एक्स प्लस डी बटा डी एक्स थ्री वाई इजक्ल टू डी बटा डी एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा दो प्लस थ्री डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, इजक्ल टू ये हमारा कितना हो जाएगा कॉस डी वाई बटा डी एक्स। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे टू, इसको एक मतलब एक जाति की ओर, एक जाति की ओर कॉस डी वाई बटा डी एक्स प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस थ्री डी वाई बटा डी एक्स, तो अब लिखेंगे टू बराबर डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लिए तो हमारा कितना बच जाएगा एक्स वाई एक्स वाई, देखिए ये जो है वाई था तो यहाँ पे वाई होगा वाई वाई, तो वाई माइनस थ्री, उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा ये इधर आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ये चल जाएगा इधर भाग गुना में है तो भाग देगा तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस थ्री, ये मेरा आंसर हो गया। मेरा तीन नंबर प्रश्न है कि ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, चलिए तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो फिर उसी तरह लिखेंगे कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी बटा डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इजक्ल टू डी बटा डी एक्स कॉस वाई, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी बटा डी एक्स ए एक्स प्लस डी बटा डी एक्स बी वाई स्क्वायर इजक्ल टू ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि डी बटा डी एक्स कॉस वाई इजक्ल टू इतना होता है, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा ए प्लस इस ये जो हो जाएगा मेरा टू बी वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, उसके बाद ये मेरा हो जाएगा माइनस साइन वाई बटा डी एक्स, उसके बाद क्या करेंगे कि ए जो कि देखेंगे, देखिए यह सेम है ये भी सेम है तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ए बराबर माइनस साइन डी वाई बटा सॉरी यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स हम माइनस टू बी वाई डी डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ए इजक्ल टू माइनस डी वाई बटा डी एक्स, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं तो मेरा बच जाएगा ही साइन साइन वाई साइन वाई, देखिए यहाँ पे वाई छूट गया था, ठीक है, साइन वाई प्लस माइनस है तो प्लस टू बी,
तो ये मेरा कितना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू, ये गुणा में है तो क्या भाग में आ जाएगा, उसी तरह लिख देंगे माइनस ए साइन वाई प्लस टू बी, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें करना क्या है कि अगर जो जो लड़का सूत्र को याद रखता है ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चार नंबर प्रश्न है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू टेन एक्स प्लस वाई। चलिए तो इसको बनाते हैं हम ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने ठीक है, अवकलन करने पर। चलिए तो लिखेंगे डी बटा डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू डी बटा डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, देखिए ये जो हमारा सूत्र पढ़े हुए थे हम लोग, चलिए हम यहाँ एक बता देते हैं, चूँकि हम सूत्र जानते हैं डी बटा डी एक्स यू इंटू वी, यू इंटू वी, तो इसका फॉर्मूला होता है यू इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है देखिए ये होता है u बटा डी एक्स भी प्लस भी डी बटा डी एक्स यू ठीक है, यही मेरा सूत्र होता है जो कि यह इस प्रकार है ठीक है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा x डी बटा डी एक्स प्लस y इंटू वन प्लस टू वाई बटा डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू, ये मेरा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस डी बटा डी एक्स। क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि डी बटा डी एक्स ये टेन एक्स जो होता है वह sec स्क्वायर के बराबर होता है ठीक है। ये मेरा दूसरा सूत्र हुआ जो कि इस प्रकार हम लिखे हैं ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है कि एक्स डी बटा डी एक्स इसको लिखेंगे इसको प्लस टू वाई डी वाई बटा डी एक्स ठीक है। देखिए समान जाति का है ये और ये भी समान जाति का दोनों है ठीक है, तो चलिए इसको हम इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू, ये मेरा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ये जो है प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में ठीक है। उसके बाद ये चलिए हम इसको डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिए तो मेरा बच गया एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इजकल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो ये मेरा हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू मेरा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये मेरा हो जाएगा आंसर। जो कि देखिए इसमें सूत्र याद रखेंगे तभी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था, इस पर उसको बैठाएं और ये जो सूत्र होता है इसका होता है। चलिए ये मेरा आंसर हो गया।